What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stellar Family. तो नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि ये शाम तक आप लोगों का बरकरार रहना चाहिए, तब भी जब कोई काम आप लोग करेंगे उसको आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी के साथ में इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, आप लोग को मेरे आंसर बताने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर खुद देना है। इससे क्या होगा, अगर आप लोग सही करते हैं तो अच्छी बात है, अगर गलत करते हैं तो लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाएंगे। अगर ये छोटी सी स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो करके चलेंगे तो काफी फायदा ये वीडियो आप लोगों को पहुंचाने वाली है। इसके आप लोगों को यहां पर द हिंदू और नैनो मैगजीन देखने को मिलती है, एक में न्यूज़पेपर कंप्लीट कवर होता है और दूसरे में ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी और अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस होते हैं। तो ये पूरा करंट अफेयर का एक पैकेज है जो कि आप लोगों को डेली देखने को मिलता है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और बात की जा रही है त्रिपुरा के अंदर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है यहां पर 3 दिन का लगभग फेस्टिवल देखने को मिलता है जिसमें नीर महल जल उत्सव के नाम से इसको पुकारते हैं। तो यहां पर आप लोगों को बोट रेस वगैरह और स्विमिंग कॉम्पिटिशन देखने को मिलते हैं। किस लेक पर यह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, पहला बोला गया है रुद्र सागर लेक, दूसरा बोला गया यहां पर कोलुरु लेक, तीसरा बोला गया पुलिकट लेक और चौथा बोला गया किनारी लेक। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, ए बी सी एफ डी, सही आंसर बताइए, उसके बाद में आप लोगों को आंसर देखना है। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है ए। आइए एक बार निहार लेते हैं कि कहां पर है एग्जैक्ट ये लेक जिसके बारे में बात की जा रही है। ये लेक आप लोगों को हमारी कंट्री में जो नॉर्थ इंडिया वाला जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला पोर्शन है वहां पर त्रिपुरा के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। तो यहां पर ये रुद्र सागर लेक न्यूज में है रिसेंटली, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उसकी वजह से न्यूज में है, तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी जो बची हुई 3 लेक यहां पर बच गई जो आप लोगों के सामने यहां पर जिनके नाम है, ये तीनों लेक आंध्र प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसके बारे में भी आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जिसमें आंसर हो गया ए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं नेशनल कैंसर टिश्यू बायो बैंक के बारे में। तो ये बोला जा रहा है कि ये एक इनिशिएटिव है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसी के साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, और यहां पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ये मिलकर यहां पर ये बेसिकली यहां पर एक प्रोग्राम है इनके जो इनिशिएट किया गया है। दूसरी बात की जा रही है यहां पर कि जो ये है कलेक्ट करता है कैंसर टिश्यूज सैंपल, कंसेंट लेता है यहां पर पेशेंट से और उसका एनालिसिस करता है ताकि हमारी कंट्री में कैंसर से रिलेटेड जो ग्रसित लोग हैं उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो क्या स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया टू, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहां पर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है इसका बी आंसर सही, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है, रीजन ये नेशनल कैंसर टिश्यू बायो बैंक ये तमिलनाडु के अंदर में है और ज्वाइंट इनिशिएटिव है यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा मिलकर यहां पर यह स्टार्ट किया गया, जिसके तहत यहां पर अगर किसी कैंसर को पेशेंट है उसकी कंसर्न से यहां पर उसके टिश्यू बेसिकली लिए जाएंगे कैंसर के अंदर से, और उसके बेस पर यहां पर उसमें एनालिसिस किया जाएगा और देखा जाएगा, उसमें रिसर्च किया जाएगा कि कैसे कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट का। तो ये जीनोम सिक्वेंसिंग जो टेक्निक है उसको भी यहां पर यूज किया जाता है, बेसिकली पर्पज यही है कि कैंसर का इलाज किया जा सके हमारी कंट्री के अंदर। ओके, तो आंसर इसका बी हो गया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात कर रहे हैं फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में। ये क्वेश्चन आप लोगों से कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो मैक्सिमम सारे एस्पेक्ट्स मैं आप लोगों के यहां पर इसके कवर करने जा रहा हूं। तो पास्ट में भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों के ऐसे हो चुके हैं, तो इसको आप लोग कंटिन्यू करिए। आगे बात की जा रही है फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में, तो इसके बारे में एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। पहले बोला गया कि ये जो इन्फेक्शियस ये डिजीज है ये फेटल वायरल डिजीज है, ये क्या है, इसकी वजह से जान भी चली जाती है। ये यहां पर जो क्लोन होते हैं और इसी के साथ में जो एनिमल डोमेस्टिक और जो वाइल्ड एनिमल होते हैं सब पर के ऊपर इंपैक्ट डालती है। ह्यूमन यानी कि इंसान पहले इससे इंफेक्ट होते हैं, इससे इंफेक्ट हुए फुट एंड माउथ डिजीज से इंसान पहले इंफेक्ट होते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ती है। तो क्या स्टेटमेंट यहां पर ट्रू है, ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर यहां पर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। यहां पर बेसिकली क्या होता है, जिस तरीके से जैसे पैर होते हैं वे खराब हो जाते हैं कई बार जानवरों के, और मुंह में भी जैसे इंसानों के छाले पड़ जाते हैं इसी तरीके से जानवरों के मुंह में भी एक छाले टाइप के पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से घास भी नहीं वो खा पाते हैं, अपना एक भोजन भी नहीं कर पाते, उसकी वजह से उनकी जान जाने लगती है, उसकी वजह से और भी कई सारी प्रॉब्लम देखने लगती है। तो ये जो डिजीज है ये एक तरीके की वायरल डिजीज है जो कि काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालती है। ये जंगली जानवर, घरेलू जानवर, इसी के साथ में जो क्लोन बना दिए जाते हैं तो उनके भी यहां पर आप लोगों के देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। बाकी अगर बात की जाए यहां पर
जो फुट एंड माउथ डिजीज है इंसानों के ऊपर बाद में लगती है, पहले जानवरों के ऊपर लगती है, और जो जानवरों के कॉन्टेक्ट में ज्यादा रहता है उससे फिर ये इंसानों को लगती है, यानी कि इंसान के पास से बाद में पहुंचती है, और कोई रेयर फिनोमिनन होता है, ऐसा नहीं कि इंसान को बड़ी फ्रीक्वेंटली ये बीमारी लगती है। तो रिसेंटली हमारी कंट्री में नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। उसका टारगेट यही है कि सब तक पहुंचना है, सब तक दवाई पहुंचनी है सारे जानवरों तक 2025 तक, और खत्म करनी है ये बीमारी 2030 तक। तो इसके चलते यहां पर ये काफी न्यूज में है। और यहां पर जो क्लोन बोला गया ना, यहां पर ये क्लोन जो ये भी देखिए एक मिनट, यहां पर ये बोला गया क्लोवन हॉफेड एनिमल। तो कौन से होते हैं ये, अलग अलग तरीके से जोन से इनके फिट होते हैं, यानी कि एक तरीके से जैसे ये लॉयन हो गया, कैट हो गया, तो इन सबके जो खुर होते हैं बेसिकली, जो उनको यहां पर ये बीमारी लगती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इसका ए हो गया। तो ये क्लोन नहीं बनाया जा रहा, जो क्लोन बोला था मैंने, ये क्लोन जो अलग अलग जो इनके खुर होते हैं, जो इनके जिनके फिट होते हैं, उसकी बात यहां पर की जा रही है। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है ये वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमारी कंट्री की। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। आसाम बोला गया हमारी कंट्री में मोस्ट स्पीसीज जो रिच स्टेट है, यहां पर अगर बात करें टर्टल डाइवर्सिटी के बारे में, इनकी जो कछुए हैं सबसे ज्यादा जातियां आसाम के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, ये है पोबित्रा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोला जा रहा है कि ये आसाम में लोकेटेड है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नाइदर वन नो टू, ए बी सी एफ डी सही आंसर यहां पर क्या है। तो जो सही आंसर है यहां पर ये है इसका सी, इनके दोनों स्टेटमेंट सही है। आसाम हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है टर्टल की, लगभग 20 स्पीसीज आप लोगों को जो फ्रेश वाटर टर्टल है, और आउट ऑफ 29 स्पीसीज, बट 18% जो यहां पर है, लगभग 80% वो थ्रेट है एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में यहां पर पहुंच चुकी है। अभी रिसेंटली कई तरीके हैचिंग देखने को मिली, जब यहां पर बच्चा निकलता है अंडे से, तो वो देखने को मिला। इसी के चलते यहां पर ये अभी रिसेंटली जो न्यूज में है, ये यहां पर पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनको ले जाकर छोड़ा गया। इसको मिनी काजीरंगा भी बोला जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, तो मिनी काजीरंगा बोला जाता है, क्योंकि कई सारे यहां पर जो वन होर्न राइनोज है, यानी कि जिनको आप लोग गेंडा बोलते हैं, वो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर पाए जाते हैं, तो इसको इसलिए मिनी काजीरंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने हिस्ट्री का, ये बात कर रहा है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बोला गया है, बोला गया है कि ये सेकंड रूलर था तुगलक डायनेस्टी का, जो कि 1320 से लेके 1500 AD तक यहां पर इसके द्वारा रूल किया गया। नेक्स्ट बात की जा रही है जजिया, ये वन ऑफ द रूलर था जिसके द्वारा जजिया इंपोज किया गया। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि ब्रिटिश, इनके अंग्रेजों के द्वारा इसे फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट इन इंडिया माना जाता है, और इसी के साथ में मैनी गार्डन्स और कैनाल भी इनके द्वारा बनाई गई हैं। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ए में बोला गया वन एंड टू, बी बोला गया टू एंड थ्री, सी बोला गया वन एंड थ्री, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि दो और तीन स्टेटमेंट यहां पर सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में, जिसको एक पागल राजा भी माना जाता है या फिर पढ़ा लिखा बेवकूफ माना जाता है, उसके बाद में यहां पर तीसरा जो रूलर था वो था फिरोज शाह तुगलक। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो 1320 से लेके 1412 AD तक ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट जो बात की जा रही है जजिया इंपोज करना, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये भी आप लोग याद रख, सोधी 1300, ये जो है 1351 से लेके 1388 तक इसका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। बाकी अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें, 1320 से लेके 1412 तक दिल्ली सल्तनत है, कंप्लीट दिल्ली सल्तनत, उसके बाद में फिर आगे चलकर मुगल साम्राज्य आप लोगों ने पढ़ा होगा मेडिवल इंडिया में। तो ये याद रखिएगा, ये वन ऑफ द किंग था जिसके द्वारा ये जजिया इंपोज किया गया। कई सारे राजाओं के द्वारा पहले जजिया इंपोज किया जा चुका था, तो ये भी उनमें से एक था। दीवाने खैरात, इसने ऑफिस ऑफ चैरिटी स्टार्ट किया था। इसी के साथ में और भी कई सारे जैसे स्टैब्लिश की गई, कई सारी सराय इसके द्वारा स्टैब्लिश की गई, फोर नए टाउन जैसे फिरोजाबाद, फतेहबाद, जौनपुर, इसी के साथ में हिसार स्टैब्लिश किए गए, हॉस्पिटल जैसे ये है दारुल सफा, ठीक है, और भी कई सारी जैसे इसके द्वारा ये शरीफ खाना, कई सारी चीजें स्टैब्लिश की गई। इसी के साथ में ये दीवाने बंदुगन, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, तो कई सारी चीजें इसके द्वारा स्टैब्लिश की गई, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। और इरीगेशन के फील्ड में कई सारे काम किए गए, कई सारी कैनाल इसके द्वारा खुदवाई गई, तो इसलिए इसको इरीगेशन के पितामह भी बोला जाता था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो ये है आंसर इसका बी, जो कि याद रख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, तो ध्यान से पढ़िएगा। बात की जा रही है सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील फ्रॉम वुडन प्लो, यानी कि जो हल होते थे उसमें जो लकड़ी यूज की जाती थी उसकी जगह स्टील यूज किया जा रहा है, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो कहीं का उदाहरण बन जाता है। तो चार स्टेटमेंट है, ये बोला गया यहां पर लेबर आर्ग्यूमेंटिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, दूसरा बोला गया कैपिटल आर्ग्यूमेंटिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस,
तीसरा बोला गया कैपिटल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, और चौथा बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहां पर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका यह है बी, कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि देखिए मान लीजिए आज के डेट में कोई आप लोग ट्रैक्टर लेते हैं तो उसमें आप लोग इस तरीके जो इंस्ट्रूमेंट लेकर आते हैं तो दूसरे के खेत को भी आप लोग जोत सकते हैं, तो वहां से एज ए आप लोग के कैपिटल फॉर्मेशन का काम करता है। तो टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस उस फॉर्म में हो रही है ताकि आप लोग उससे और ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप लोग नेक्स्ट लेवल पर यहां पर पहुंच जा रहे हैं इसका यूज कर। जो लकड़ी यूज की जाती थी पहले हल में जिसको बैल से लेकर चलते थे तो वो एक तरीके से अलग डायरेक्शन में थे, पर लेकिन अब यहां पर बात की जा रही है हम एक ट्रैक्टर लाकर पूरे गांव के खेत जोत सकते हैं उससे मिलकर, अगर वो ढंग से काम करता रहे तो एक तरीके से अर्निंग भी वहां पर की जा सकती है। तो पहले हल से ये सब चीजें पॉसिबल नहीं थी जो कि नॉर्मली लकड़ी का यूज किया जाता था, ठीक है। तो एक तरीके से कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस आप लोग इसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये भी यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। यहां पर बात की जा रही है पार्लियामेंट्री जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया वो किसकी वजह से यहां पर है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले बोला गया लोकसभा इज इलेक्टेड बाय डायरेक्टली बाय द पीपल, इसलिए यहां पर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। दूसरा बोला गया पार्लियामेंट कैन अमेंड यानी कि चेंज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में, इसलिए ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तीसरा बोला गया राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम है। चौथा बोला गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका डी। कई सारे बच्चे यहां पर आंसर क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे ए कि डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है, पर लेकिन यूएसए में भी डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है पर लेकिन वहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम आप लोगों को वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारी कंट्री में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा को, पर लेकिन अगर आप लोग बात करेंगे यूएसए में, यूएसए में वो उसको अलग से चूज करते हैं अपने जो खुद के जो उसके मेंबर होते हैं कैबिनेट के, वो बाहर से भी उसको चूज कर सकते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली वहां पर सेपरेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, तो वहां पर डायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाता है पर लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इस तरीके सिस्टम आप लोग नहीं बोल सकते उसको, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो हमारी कंट्री में आर्टिकल 75 यहां पर यह बात करता है इसके बारे में जो कि हमारे संविधान में भी मेंशन है, और ये भी क्वेश्चन पास में पूछा जा चुका है कि आर्टिकल 75 बोलता है कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो लोकसभा के लिए है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आइडिया रखेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। बात की जा रही है इकोसिस्टम के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में एग्जैक्ट बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगा अगर कोई आप लोगों से पूछे। ए स्टेटमेंट में बोला गया कि कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद अनदर यानी वन अनदर, तो इसको आप लोग बोलेंगे एक दूसरे के साथ में जो बातचीत करते हैं जीवित समुदाय उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। यह बोला जा रहा है पार्ट ऑफ अर्थ वेयर इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो वहां पर जीवित जीव पाए जाते हैं उसको आप लोग बोलते हैं। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लीव, ठीक है। तो ये है यहां पर बेसिकली इकोसिस्टम। फ्लोरा एंड फ्यूना, फ्लोरा बोलते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, फोना बोलते हैं जो बेसिकली जीव जंतु होते हैं। जियोग्राफी जो जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है इसका यहां पर ये है सी। थोड़ा सा इसको आप लोग समझ लीजिए एक बार। बात की जा रही है बेसिकली यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग होते हैं, जैसे यहाँ पर खरगोश आप लोग देखते हैं, पेड़ पौधे हो गए, ये लिविंग चीज में आते हैं, पर लेकिन नॉन लिविंग जैसे रोक चट्टान हो गई, मिट्टी हो गई, ये नॉन लिविंग थिंग में आते हैं एक तरीके से। यहाँ पर उसमें पेड़ पौधे उगते हैं और फिर हम लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जब एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करती है, एक न्यूट्रिशन साइकिल जब यहाँ पर देखने को मिलती है, एनर्जी फ्लो देखने को मिलता है, तो वो बेसिकली एक इकोसिस्टम होता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम का मतलब है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जब टुगेदर काम कर रही है तो वो होगा एक इकोसिस्टम। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इसका सी हो गया, सही। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात की जा रही है इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर ये जो टर्म दे रखी है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट और पब्लिक रिवेन्यू, यहां पर कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट है। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू एंड थ्री एंड फोर ओनली, बी में सी में बोला गया वन एंड टू ओनली, डी बोला गया वन थ्री एंड फोर ओनली। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो ये आप लोग को बताना है। सही आंसर है यहां पर इसका सी यानी के वन एंड टू, बैंक रेट और यहां पर ओपन मार्केट जो ऑपरेशन होते हैं ये आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, बाकी जो पब्लिक डेट होते हैं और पब्लिक रिवेन्यू होते हैं ये आते हैं फिस्कल पॉलिसी के अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल की जाती है यानी कि किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा कंट्रोल की जाती है। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो किसी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन यहां पर ये होते हैं आरबीआई के कंट्रोल में, और पब्लिक डेट उधारी और रिवेन्यू जो रहता है पब्लिक का ये होता है गवर्नमेंट के अंडर में। तो इनमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं ये कि किस तरीके से यहां पर फिस्कल पॉलिसी होती है और कैसे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है और कौन-कौन यहां पर इनको कंट्रोल करता है। तो आंसर यहां पर इसका सी हो गया और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है एनपीटी के बारे में, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफ्रेशन ट्रीटी। तो बोला गया है कि यहां पर कौन सा जो ऊपर जो मेंबर दे रखे हैं, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इजराइल और पाकिस्तान। तो बोला गया विच अमंग द फॉलोइंग यहां पर न्यूक्लियर वेपन स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया है इस ट्रीटी के थ्रू। तो ये आप लोगों को बताना है, यानी कि एनपीटी के थ्रू कौन सा यहां पर न्यूक्लियर कंट्री डिक्लेयर किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। फर्स्ट में बोला गया चाइना, सेकंड में बोला गया फ्रांस, थर्ड में बोला गया इंडिया, फोर्थ में बोला गया इजराइल, फिफ्थ में बोला गया पाकिस्तान। कौन सा आंसर सही है? तो ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 1, 3, 4 और 5, सी में बोला गया 2, 4 और 5, डी में बोला गया 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? ए, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर यहां पर इसका यह है, यह है इसका आंसर ए, यानी कि जो स्टेटमेंट यहां पर सही है, यानी कि यहां पर बात की जा रही है चाइना और फ्रांस के बारे में। तो आंसर क्या हो गया यहां पर सही? इसका आंसर हो गया यहां पर इसका सही ए, ठीक है ना। तो यहां पर 1 और 2 की बात की जा रही है। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 5 टोटल राज्य ऐसे हैं, या फिर आप लोग जब इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो उनको राज्य बोल देते हैं, वैसे आप लोग उनको पर्टिकुलर कंट्री बोलेंगे। जैसे 5 तो परमानेंट राज्य हो गए, जैसे यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना, तो 5 परमानेंट मेंबर हो गए, ठीक है। तो ये डिक्लेयर किए जा चुके हैं यहां पर न्यूक्लियर पावर है 5 के 5। 4 ऐसे हैं जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, यहां पर इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इसराइल, ये ऐसे हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है। इन 4 में से 3 तो ऐसे जो डिक्लेयर कर चुके हैं कि न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास में, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। इसराइल ने आज तक डिक्लेयर नहीं किया है। तो अगर आप लोग ये भी जानते हैं कि इसराइल ने डिक्लेयर नहीं किया, ये छोटी सी बात भी जानते हैं, तो भी आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को कोशिश करनी है कि एलिमिनेशन मेथड हमेशा यूज करना है जब भी आप लोग प्रैक्टिस करें एग्जाम में। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने का। गलत आंसर पकड़ लीजिए और उसको देखिए और फिर आंसर आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, ओके। बाकी अगर बात करें नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में, तो ये यहां पर है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको एनपीटी बोलते हैं। ये 1968 में साइन की गई थी, लोकेशन थी मॉस्को जहां पर ये साइन की गई थी, और 1970 से इसको यहां पर लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो इसके आज के में जो पार्टीज हैं, लगभग आप लोगों को 190 कंट्री देखने को मिलेंगे। इंडिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और साउथ सूडान इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद इसके बारे में रख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा। पर लेकिन डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि आने वाले टाइम में लेक्चर को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। अगर पसंद आया है तो आप लोग इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। और अपनी फैमिली को बढ़ाना भी आप लोगों का टारगेट है, क्योंकि मेरा जो काम है वो है आप लोगों को पढ़ाना। बाकी आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजों पर पहुंचाइए, खुद भी पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए। इसी तरीके से अपनी कंट्री को हम लोग को सफल बनाना है, ओके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का। तब तक के आप लोग एंजॉय कीजिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।